धार जिले के कुशी थाना अंतर्गत पिछले कई दिनों से लगातार निसरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिसमें चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लगातार बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरों को न तो सीसीटीवी कैमरों का कोई खौफ है और न ही पुलिस प्रशासन का। आलम यह है कि चोर बेधड़क निसरपुर चौकी क्षेत्र में कई बड़ी लाखों रुपए की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें अब तक छिटपुट वारदातों को छोड़ दे तो भी आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी लाखों रुपए की चोरियां क्षेत्र में हो चुकी हैं। और इन सभी वारदातों में दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि इतनी बड़ी चोरी की वारदातों की सूचना तक वरिष्ठ कुक्षी थाने और कुक्षी अनुभाग एसडीओपी तक को नहीं है। वहीं चोरी की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है उनकी एफआईआर तक आज दिनांक तक चौकी प्रभारी के द्वारा दर्ज नहीं की गई। वहीं सिर्फ आवेदन लेकर मामले की इतिश्री की जा रही है। निसरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं से अब तो यह प्रतीत हो रहा है कि इन सभी वारदातों में पुलिस की निष्क्रियता दिखाई दे रही है। निसरपुर नगर और निसरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत आसपास के गांव में लगातार चोरों ने दहशत फैला रखी है। जहां कुछ दिनों पूर्व निसरपुर नगर में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें जैन परिवार के प्रतिष्ठित सुराना परिवार के प्रवीण कुमार सुराना के यहाँ क्षेत्र की सबसे बड़ी लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ताजा मामला निसरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम नर्मदा नगर स्थित पुन बरसाहट कॉलोनी में गत रात्रि का है, जहां बेखौफ चोरों ने पत्थरबाजी कर जमकर उत्पात मचा और लगभग 4 से 5 जगह दावा बोला। चोरों ने एक मेडिकल दुकान से लैपटॉप और नकदी पर हाथ साफ किया तो वहीं लाइसेंसी शराब दुकान की शटर तोड़ने का प्रयास किया, जहां आसपास रह रहे लोगों के जागने के बाद चोरों ने पत्थरबाजी की, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में चोट आई, जिसके बाद भी चोरों ने धार्मिक स्थल शिव मंदिर से दान पेटी उठा ले गए। इन सब में रात्रि में हुई इतनी बड़ी घटना में घायल हुए शख्स को उपचार हेतु मौके से ना ही अस्पताल पहुंचाया गया, ना ही कोई एफआईआर अब तक दर्ज की गई। आखिर इतनी खबरों के बाद जिला कप्तान का ध्यान क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है। सर, ये 2:30 बजे की बात समथिंग बात है, लाइट चली गई थी तो आए 15-20 लोग आए और हम अंदर सो रहे थे तो उन्हें ताले तोड़ने की कोशिश करी तो हमने अंदर से चिल्लाया कोने करके, तो थोड़ी देर वो रुक गए, फिर वापस तोड़ने लगे कि तोड़ो ताला, अपन के पास हथियार है, अपन अड़ा देंगे और पूरा माल खींच लेंगे करके। वो भी इतने हम जो जो खबराए चिल्ला चोट करी तो काका सामने काका जगे और वहाँ चिल्लाए वो, तो फिर वो तुरंत भाग गए और काका के साथ पत्थर भी लगा है, पत्थर मारने की वजह से ये हुआ। और आपने इसकी सूचना पुलिस में करी? हाँ, पुलिस वाले शाम को रात में ही आए थे, उनको बोला भी था, उनको सब दिखाया भी हमने इसको टोटल, तो उन्हें कहा कि सुबह आ जाना और एफआईआर कर देना, तो हमने हमारे मैनेजर से बात भी की है और उन्होंने कहा कि आ जाके एफआईआर कर दो, मेरी बात करवा देना। क्या घटना हो गई थी बाबा रात में? रात को 2 बजे मैंने दरवाजा खोला कि ये लोग बच गए, नहीं थे इनको मार देते, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता वहां दरवाजा से झगड़ा ठोके ताला को तो यहाँ आवाज यहाँ आ गया था। हाँ, तो मैं उठा, जैसा चौड़ा करा कि चालू कर दे पत्थर, तो मेरे को पत्थर एक पत्थर लगा और 2-3 यही पड़े, ये इतने भी ये वही है। ये कितने लोग थे? वो थे 15-16 आदमी थे। हाँ, तो इसकी रिपोर्ट तो पुलिस वालों ने लिखी? नहीं लिखी, वो कह रहा था कि सुबह में हम आएंगे फिर चौकी पे जाना तो ड्रेसिंग वरेसिंग करवाना, ऐसे बोले थे। फिर सुबह आए तो बाबा कहे तुम डॉक्टर में जाके जरा ड्रेसिंग करवा लेना, सुबह भी आए थे वो। क्या नाम आपका? मेरा नाम चैन सिंह।